और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। इस समय में है काशी मीरा में, जहां पे स्वास्तिक महिला फाउंडेशन की तरफ से यहां पे महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा गया है, वो भी लगातार 7 दिनों तक। आज दूसरा दिन है और फिर भी आप देख सकते हैं महिलाओं में जो अपने उनको हमने आपको एक तस्वीर दिखाई तो वहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं आई थी। कल भी इसी प्रकार आई थी और आने वाले लगातार 4 दिनों में भी इसी प्रकार से महिलाएं आएंगी। जब हमने सचिन मात्रे से बात किया था तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जितनी महिलाएँ आती हैं किसी को हम खाली हाथ लौटने नहीं देंगे। और हर रोज़ यहाँ पे लकी ड्रॉ कूपन भी निकाला जाता है 10 महिलाओं के लिए। इस महिलाओं का यहाँ पे लकी ड्रॉ कूपन निकलता है, उन्हें यहाँ पे इनाम भी दिया जाता है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के चारों नगर सेवक काशी मीरा में जितने भी कार्य किए हैं उसके बारे में भी वो बताएंगे आम जनता को, और उन्होंने एक पेम्पलेट के माध्यम से आम नागरिक तक भी ये बात पहुँचाई है कि उन्होंने कितना इस क्षेत्र में काम किया है। चलिए बात करते हैं स्वास्तिक महिला फाउंडेशन के अध्यक्ष से और यहाँ पे आए हुए लोगों से उनका जी। बिल्कुल, मैं तो जैसे आपने काम के सिलसिले में बोला तो मैं काम के सिलसिले में तो बाद में आऊँगा, लेकिन आज हर साल की तरह इस साल भी स्वस्तिक महिला फाउंडेशन और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रभाग क्रमांक 14 में हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया है। और इस ये हर साल बड़े मात्रा में कार्यक्रम का आयोजन किया करते थे, लेकिन कोरोना के बाद में हम ये छोटे छोटे मात्रा में कार्यक्रम हर साल करना चालू कर दिए हैं। और साथ ही में आपने देखा है कि हमारे ऊपर इतने महिलाओं ने जो भरोसा रखा है स्वस्तिक महिला फाउंडेशन के ऊपर, तो हमने कदम कदम पर उन महिलाओं की समस्या सॉल्व की है। और रही बात कि हम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम कुछ काम नहीं कर रहे, तो हम तो सिर्फ लोगों को गुमराह नहीं करते, सोशल मीडिया के माध्यम से गुमराह नहीं करते। आज आप देख रहे हो कि हमारे कार्यक्रम के ऊपर कितने लोगों ने विश्वास रखा है। आज जो कोई भी आई है, जो कोई भी महिला आई है, वो सिर्फ यहाँ पे बर्तन लेने नहीं आई है, वो हम पर विश्वास जताने आई है। और हम पर जो विश्वास है वो विश्वास के पात्र है, इसलिए वो कार्यक्रम में भारी मात्रा में यहाँ पर उपस्थित हुई है। वो जो कोई भी आते रहेंगे वो हमको तो पता नहीं क्यों आते हैं, लेकिन हम इन्हीं में से है। हम कोई आमदार, हम कोई खासदार, हम कोई नगर सेवक, हम कोई नेता नहीं है, हम इन्हीं में से है। तो ये लोग हमारे लिए आते हैं, हम कुछ दे रहे करके आते नहीं है। कुछ लोग आते होंगे, हम ये देंगे वो देंगे, भीड़ लगाते हैं, नाच गाना करते हैं, गाना गाना बजाना करते हैं, लेकिन हम पारंपरिक पद्धति से हल्दी कुमकुम करने की कोशिश करते हैं। और पारंपरिक पद्धति के कार्यक्रम में देखो इतनी सारी भीड़ लगती है, इसीलिए मैं किसी को अगर हमारे ऊपर अगर काम के सिलसिले में आरोप लगाना है तो आरोप लगाए, हम काम भी कर रहे हैं और लोगों के साथ में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कर रहे हैं। सिर्फ काम 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 करने से लोगों के आज का कितना काम करोगे? आज सारे परिसर में काम हो रहा है। आज कई सारे नगर सेवक यहाँ पे 25-25 साल से है, 15-15 साल से है, उन्होंने सब काम किए ही है। हमारे पिताजी केशरीनाथ मात्रे जी है वो पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं। ज्योत्नाताई महापौर जी है वो 25 सालों से काम कर रही है। हमारी मीरा देवी मैडम जी है 15 सालों से यहाँ पर कार्यरत है। भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी यहाँ पर 25-30 सालों से है। तो यहाँ पर काम कितना भी लाए लेकिन एरिया बढ़ रहा है, परिसर बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर गटर बनाते हो तो आगे चलकर एरिया बढ़ने के बाद वहाँ नया गटर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये विकसनशील देश है, ये विकसित हुआ देश नहीं है, विकसित हुआ काशी मीरा नहीं है। विकास काशी मीरा का चलता जा रहा है ये, और निरंतर आज आप देखोगे, आज अगर मैंने एक काम किया तो 2 साल बाद उसके आगे एक काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो आरोप लगा रहे हैं कि हम काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, उन्हें आरोप लगाने दो। जनता देखेगी, जनता देख रही है, और जिनके घर के सामने हमने काम किए हैं उनके घर के सामने चिल्लाओ कि किसी ने काम नहीं किया, किसी ने काम किए। जैसे आज हजारों की तादाद में महिलाएं हल्दी कुमकुम में आई थी, और ये कितना दिन चलने वाला है आपका कार्यक्रम लगातार? ये कार्यक्रम देखो हमने तो सोचा है कि 8 तारीख से 12 तारीख तक करेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ा तो 16 तारीख तक भी लेके जाएंगे। अगर लेकिन किसी भी महिला को खाली हाथ यहाँ से भेजेंगे नहीं, क्योंकि हम जो कहते हैं वही करते हैं। सिर्फ दिखाने का एक हम ये देंगे वो देंगे और उसके बाद में कुछ महिलाओं का कुछ हाथ खाली हाथ भेजेंगे, ये सब होता नहीं है यहाँ पे। अगर एक भी महिला अगर रही तो उन्हें दूसरे दिन बुलाकर हम मान सम्मान के साथ में उनकी चीज़ उनको लौटा। स्वस्तिक महिला फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस हल्दी कुमकुम में प्रभाग की सारी महिलाएँ इतना बढ़ चढ़ कर सहभाग देती है, मैं उसके लिए उनका तहे दिल से सबसे पहले धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और मैं उनकी ऋणी रहूंगी हमेशा, क्योंकि हर साल जिस तरीके से हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का हम आयोजन करते हैं, हर साल
दुगनी चौगनी तरीके से आकर महिलाएं इसमें सहभागी करती है और जिस तरीके का विश्वास उन्होंने आज तक हम पर रखा है, मैं आशा करती हूँ और उनसे विनती करूंगी कि आने वाले वक्त में भी हमेशा इसी तरह वो अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ रखें। महिलाओं के लिए और आगे आप क्या क्या करने वाली हो? स्वस्तिक महिला फाउंडेशन की स्थापना ही हमने इसलिए की थी ताकि परिसर की जो महिलाएं हैं उनके उनकी जो भी समस्याएं रहेंगी, उनके ऊपर जो भी अत्याचार अन्याय होते रहेंगे, उनसे उनको राहत दिलाने का काम स्वस्तिक फाउंडेशन महिला फाउंडेशन आज तक करती आ रही है और आगे भी इसी तरह करती रहेगी। मैं आपके माध्यम से सभी महिलाओं को ये सूचित करना चाहूँगी और उनसे ये विनती करना चाहूँगी कि आने वाले वक्त में भी भगवान ना करे कि किसी भी महिलाओं को किसी भी कोई भी समस्या हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो स्वस्तिक महिला फाउंडेशन हमेशा उनके साथ में रहेगी। दरअसल जैसे आपको पता ही होगा, जैसे सचिन जी ने अभी कहा कि वरिष्ठ नेता केसरीनाथ म्हात्रे जी, इन्होंने हमारे लिए जो ये सारी विरासत दी है, लोग हमारे तरफ, सचिन जी के तरफ, हमारे तरफ, स्वस्तिक महिला फाउंडेशन की टीम की तरफ बहुत ही आशा से और बहुत ही उम्मीदें लेकर आते हैं और जो भी समस्याएं हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनका निवारण हम जल्द से जल्द कर सकें। सहकारी नगर सेवक सचिन म्हात्रे जी, उन्होंने स्वस्तिक महिला फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पर हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा है, हर साल रखते हैं, इस साल भी बहुत ही अच्छा प्रतिसाद उनको मिला है। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और यहाँ पे जो हमारे मांडवी पाड़ा, जयनगर, पालचाल या यहाँ के आजू बाजू के सभी परिसर की जो महिला है यहाँ पर आती है, बहुत अच्छे उल्लास के साथ में ये कार्यक्रम होता है और यहाँ आज हमने महिलाओं को एक खुशखबर दी है कि हमारे नीलकमल नाका से मनाली विलेज से ग्रीन विलेज और ग्रीन विलेज से नीलकमल नाका ऐसा पूरा जो राउंड है वहाँ पर सीमेंट कंक्रीटकरण करने का कार्य MMRDA के माध्यम से शुरू होने वाला है। उसका आज भूमि पूजन हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे आमदार, उनके आयुक्त के हाथों से हुआ। बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे इसका काशीमीरा क्षेत्र सीमेंट कंक्रीटकरण पूरा हो जाएगा। मांडवी पाड़ा, माशा का पाड़ा का काम भी, रास्ते का काम चालू है। कागज झूठ है, ये कागज झूठ है। ये जो कहते हैं ना, जो अच्छा काम करता है ना उसको निगलेक्ट करते ही हैं, तो अच्छा काम करने वाले को कहाँ गिराएं, कहाँ निगलेक्ट करें, ये विरोधियों का काम है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ ना, वो विरोध करते रहें और हम काम ऐसे ही करते रहेंगे। उन्हें क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों की क्या कहना चाहेंगे, उनको मुंह नहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन जो जनता के सामने मैंने काम की है वो जनता बोल रही है, वो क्या बोलेंगे? वो तो सिर्फ विरोध के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं। पाइपलाइन के हमने दावा किया ना, हमने टैक्स पावती नहीं लगाई होती ना तो आज ये घर घर पानी नहीं मिलता। आज पाइपलाइन डाली हूँ ना तो इसके पहले टैक्स पावती का काम हमने की हूँ। आज आप विश्वास नहीं रहा होगा, 2 साल महासभा में नाक घिसी हो तो टोस पातू चालू कराने में। आज आमदार नरेंद्र मेहता थे, उनकी देन है इस सलम एरिया के हर घर में जन हो की टेस्ट पावती लगाने में आपको फ्री किया जाएगा। फाउंडेशन के माध्यम से मैं मायूरी के सचिन म्हात्रे के बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे कार्य करते रहें, जनता के आशीर्वाद मिलता रहेगा। आपको बोलते नहीं आपको रिक्वेस्ट करो, आप बैठिए तो अपने कार्य